मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, चुनावी डंका लगातार बजाया जा रहा है और दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की मुलाकात होती है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा के बारे में, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आज उनकी मुलाकात भोपाल में होती है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। दोनों की यह मुलाकात कई मिनट तक होती है, फिर उसके बाद दोनों ही आती है मीडिया से चर्चा करने के लिए। मीडिया के द्वारा जब सज्जन सिंह वर्मा से यह पूछा जाता है कि आखिर आपकी यह मुलाकात नरोत्तम मिश्रा से क्यों हुई है, तो वो ये कहते हैं कि आज इत्तेफाक से मैं भी भोपाल में हूं और मिश्रा भी भोपाल में है और हम दोनों की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और इसके राजनीतिक कयास लगा जाना गलत होगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा से ये पूछा गया कि सज्जन सिंह वर्मा के साथ आपकी ये मुलाकात किस ओर संकेत देती है, तो मिश्रा ने कहा कि ये जो मुलाकात है सिर्फ और सिर्फ एक सौजन्य भेंट है, ये शिष्टाचार भेंट है और सज्जन सिंह वर्मा मेरे बड़े भाई जैसे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठकें हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दो बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया उर्फ अजय सिंह की मुलाकात होती है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अजय सिंह भाजपा में जा रहे हैं। उसके बाद अजय सिंह ने ट्वीट करके ये बताया कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, कांग्रेस में ही हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। लगातार गृहमंत्री के साथ कांग्रेस की जो बैठकें हो रही हैं उसको लेकर दिल्ली दरबार तक बातचीत होती है। देखना होगा सज्जन सिंह वर्मा और मिश्रा की यह मुलाकात किस ओर संकेत देती है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। धन्यवाद, मेरा नाम है पीयूष परमार।